आज पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच होगी मुलाकात। संयुक्त रूप से करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और कारोबार को मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर करेंगे दोनों पक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाया सियासी पारा। मनसे आज से करेगी चुनाव प्रचार का आगाज। राज ठाकरे करेंगे मुंबई में रैली। ठाकरे ने किया सूबे में जीत का दावा। कहा अब की बार नहीं बनाने देंगे बीजेपी की सरकार। 21 अक्टूबर को 288 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। रामपुर से सपा सांसद आजम खान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। जिला अदालत करेगी 9 केसों में अग्रिम जमानत पर फैसला। आजम खान पर लगा है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने का आरोप। धारा 452, 379, 427 के तहत रामपुर थाने में सपा सांसद के खिलाफ दर्ज है केस। उत्तराखंड में 5 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से शुरू होगा मतदान। 12 जिलों के 30 ब्लॉकों में डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में शाम 5 बजे तक जनता करेगी अपने मताधिकार का प्रयोग। बीजेपी कांग्रेस ने लगाया जीत के लिए जोर। घर घर जाकर की लोगों से वोट देने की अपील। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सदस्यता अभियान पर दिया जोर। आज राजस्थान में बूथ स्तर होगा मजबूत। बीजेपी को मिलेगी जीत अभियान चलाएगी पार्टी। सूबे के सभी नेताओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का दिया गया लक्ष्य। खत्म नहीं हो रही कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की परेशानी। आज तिहाड़ जेल में डीके शिवकुमार से पूछताछ करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल दागेगी जांच एजेंसी। राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक बढ़ाई है कांग्रेस नेता की रिमांड। आज से आम जनता के लिए शुरू होगा दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई थी हरी झंडी। 8 घंटे में दिल्ली से माता वैष्णो देवी पहुंच सकेंगे भक्त। मजबूत करने की दिशा में उत्तर कोरिया और अमेरिका ने बढ़ाए कदम। आज से शुरू होगी दोनों देशों में वर्किंग लेवल की बातचीत। परमाणु परीक्षण को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर उत्तर कोरिया पर दबाव डालेगा अमेरिका। बैठक के लिए DPRK का प्रतिनिधित्व किया गया तैयार। ट्रंप ने जताई उम्मीद दोनों देशों में होगी सकारात्मक बातचीत। बदलते मौसम के साथ एक बार फिर राजधानी दिल्ली हो सकती है धुआं धुआं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बढ़ेगा प्रदूषण। हवा की गुणवत्ता गिरकर मध्यम श्रेणी पर आने की आशंका। दिवाली तक उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है प्रदूषण। लोगों को संभल कर रहने की दी गई सलाह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच का चौथा दिन आज। शुक्रवार को साउथ अफ्रीका ने बनाया 8 विकेट खोकर 385 रन। अश्विन ने झटके 5 विकेट। जडेजा सबसे तेजी से 200 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बने। और चांद पर आज होगी सुबह। इसरो के वैज्ञानिक फिर शुरू करेंगे विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश। नासा भी देगा मिशन चंद्रयान 2 की असफलता का पता लगाने में भारत का साथ।